किसानों के कृषि कार्य में जुटने के पहले ही बालोद जिले में माइनर नाली निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार ने खेतों में मिट्टी और मुरूम की ढेर लगा किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। बालोद के डोंडी विकास खंड अंतर्गत खुर्सी टिकूर के अंडी बहारा बांध से किसानों के खेतों में पानी सिंचाई के लिए करोड़ों खर्च कर 2.5 किलोमीटर माइनर नहर नाली का निर्माण किया जा रहा है। इस नहर के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए नहर खोद निकाले गए मिट्टी और मुरम को किसानों के खेतों में डंप कर दिया है, जो किसानों के लिए खेती किसानी करने में आड़े आ रही है। इसे लेकर किसानों का कहना है कि ऐसी स्थिति में हम कृषि कार्य कैसे कर पाएंगे, जल्द इसे नहीं हटाया गया तो कलेक्टर से शिकायत की जाएगी। नहर बांध नाली में काम चला थे, उमे से किसान मन के बहुत बड़ी क्षति होते और जगह जगह पुल मल पड़े हैं, खेत खार में मुरुम बिगड़ा दे है, किसान मन तकलीफ होते और किसान मन उलग कैसे करके करी कैसे नहीं। अब वो ठेकेदार आज तक चुप मिटका दे है, ठेकेदार में तो कुछ न कुछ कार्रवाई होना चाहिए उसके लिए। भाई किसान मन त्रस्त करके खेती खार ला बनाते हैं और वहाँ मुरुम मिट्टी पुल में माटी डाल दे है, पुल आज तक के बने नहीं है और एक बारे से ध्यान देना चाहिए। बोला बता भी नाली निर्माण है खेत में पूरा माटी ला ठेकेदार है, पब्लिक हमला किसान मला बहुत हुआ थे और नाली डाम हो गए है, खेत मन में पूरा माटी ला कुढ़ो दे है, मुरुम ला कुढ़ो दे है, परेशानी हमला किसान मला ज़्यादा हुआ थे। तो हम ठेकेदार है अपने जीपीसी लगाए थे, कुछ लगा के मिट्टी ला उठवा दी। नहर नाली के छोटे नहर नाली काम चालू हो है, उसमें अरुण जैन नाम के एक ठेकेदार जो यहाँ बहुत दिनों से बड़े नाली के भी कार्य करे और उसी में छोटे नाली काम करे आते, उसमें हमार ग्राम खुर्सी टुकुर के बहुत से किसान ला प्रभावित करे है नहर नाली काम में। ये कार्य में मिट्टी कहीं भी डंप कर दे है, मुरुम डंप कर दे है और बरसात आए से हमारे खेती किसानी करे बहुत मुश्किल होते और ऐसी छोड़ के ठेकेदार गत एक माह पूर्व से ही चले गए हैं और कई बार हम ठेकेदार से भी बात करें लेकिन वो करब तैयार नहीं है। तो मैं विभाग के और सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि अला ठेकेदार के द्वारा मिट्टी ला उठवा दे ताकि ये गांव के किसान मल्ला किसानी करे परेशानी मत हो। ये ठेकेदारों से चर्चा हुआ है, उनके मौखिक में उनको बोला गया है कई बार लेकिन उनके द्वारा अभी गत 3-4 दिन पहले बात हुआ है। तो वो मुझे मतलब 15 दिन में मतलब जो खेतों का जो मलबा है आज बाजू से अब जो मुरुम पड़े हुए हैं उनको वहाँ से हटा लिया जाएगा। क्या लगता है सर 15 दिनों में हटाने से किसान कृषि कार्य कर पाएंगे, क्योंकि मानसून का समय आ गया, 2-4 दिन में किसान कृषि से जुड़ जाएगा? नहीं, ठेकेदार का कहना था कि गाड़ी कहीं दूसरी जगह व्यस्त हो गई थी और वो शायद आज कल में खाली हो जाएगी, तो मुझे संभवतः लगता है कि कार्य हो जाएगा। बहरहाल जल संसाधन विभाग के अधिकारी का कहना है कि ठेकेदार को जल्द खेतों से मलबों को हटाने का निर्देश दिया गया है। अब देखना होगा कि ठेकेदार अधिकारी के निर्देश को कब तक अमल में लाते हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।